ये है कि मैं तो पहले सबसे बदमाश और दारू पीने वाला और गांव में झगड़ा लड़ाई मारपीट करने वाला था। फिर इतने में मेरा जीवन में एक ऐसा घटना घटी कि मेरा नोज ब्लीडिंग होता था, और नोज ब्लीडिंग होते होते उसके बाद में फिर नाक बंद करने का बाद में मुंह से खून निकलती थी। 2-3 दिन में मेरे जीवन में पूरा एकदम डेथ होने के लिए डॉक्टर ने डिक्लेयर किया। फिर भी सारे नर्सिंग होम में ले गया, फिर भी अच्छा नहीं हुआ। न होने के बाद में किसी एक प्रचारक ने बोला था कि जब भी आप मरने का समय में अगर आपको ईश्वर है, गॉड है बोल के आप विश्वास करेंगे तो जीसस को पुकारना, ऐसे बोल के एक न्यू टेस्टामेंट दिया था। और वो न्यू टेस्टामेंट को मैंने बड़ी सी बकस के अंदर में डाल दिया था, क्योंकि मेरा अपना धर्म है, मैं हिंदू से हूँ और हिंदू में जन्म लिया और गीता पढ़ता हूँ और महाभारत रामायण क्या क्या ये सब मैं स्टडी करता हूँ, इसलिए मुझे मैं नहीं चाहिए बोल के मैंने उसको छोटी न्यू टेस्टमेंट को भी फेंक दिया था। जब उस समय में जब मेरा जीवन में जब मृत्यु की डिक्लेयर हो गया तो मैं जीना चाहता था। और उसके बाद में वो उस प्रचार ने बोला हुआ जो वर्ड था वो मैंने मन में रखा था कि कभी भी मरने के समय में और कष्ट के समय में अगर आपको विश्वास हो तो यीशु को पुकारना, जीसस को पुकारना, ऐसे बोला था। और मैंने कई बार प्रचार करते हुए सुना था कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई करने वाला है, मुर्दों को जिलाने वाला है और हर एक रोगियों को बीमारियों को चंगा करने वाला है, ऐसे तो मैंने सुना था। तो उस वक्त जब मृत्यु के लिए डिक्लेयर किया डॉक्टर ने तो मेरा रूम में मेरे सारे रूम में 17-18 भगवान का फोटो मैंने चिपकाया हुआ था दीवार में, और मैंने एक एक करके मैंने पुकारा, राम को पुकारा, कृष्णा को पुकारा, हनुमान को पुकारा, शिव जी को पुकारा, ऐसे करते 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 सारे भगवान को पुकारा। और बाद में यीशु मसीह को बोला, हे ख्रिस्टान के भगवान यीशु मसीह, अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो अभी इसी वक्त मुझे चंगाई कर, अगर अब इसी वक्त मुझे चंगाई अगर दोगे तो मैं कल सुबह से मैं आपको प्रचार करूंगा। जैसे ऐसे मैंने पुकारा उसी समय में बाहर से बड़ी सी ज्योति अंदर में आई और आने के बाद मेरे शरीर को चिपका दिया और मैं बेड से खड़े हो गया। खड़े होने के बाद में मुझको पूरा विश्वास हो गया कि यीशु मसीह ने मुझे चंगाई किया। तब सुबह उठ के मैंने परिवार को बोल दिया, माँ को बोल दिया, पिताजी को बोल दिया, भाई बहन को सबको बोल दिया, मैं यीशु मसीह को विश्वास किया, मैं ईसाई बन गया। लेकिन किस रीति से कैसा बनना है वो मुझे मालूम नहीं था। तो मैं सुबह से गांव से मैं बोलने लगा कि मैं ख्रिस्टान हो गया, यीशु मसीह सच्चा है, यीशु मसीह सच्चा है, क्योंकि मुझे चंगाई किया और मुझे दर्शन भी दिया। ऐसे बोल के मैंने जब बोला तो मुझे ये भी मालूम नहीं था जब यीशु मसीह को विश्वास करने का अपने घर से निकाल देगा, पिटाई करेगा और बहुत दुख देगा, ऐसा कष्ट सहना पड़ेगा, ऐसे कुछ मालूम ही नहीं था। मैंने हर एक को बोलने लगा कि यीशु मसीह को विश्वास करो, वह सच्चा परमेश्वर है। दूसरे को बोलने लगा यीशु मसीह को विश्वास करो, वही परमेश्वर है। तब ऐसे करते करते पिताजी ने सुना तो फिर बड़ा भैया को बोला, और बड़ा भैया को बोलने का बाद में अब पिटाई किया। और मैंने बोला जब मैं दारू पीने वाला था, जब बदमाश था, सभी लोगों से लड़ाई करता था और पूरा घर में अशांति करते थे, तो उस टाइम में कुछ भी नहीं बोला। लेकिन अभी मैं सब छोड़ दिया और प्रभु ने मुझे चंगाई किया और मैं यीशु मसीह को विश्वास करता हूँ, जब मैंने बोला तो इस वक्त में आप लोग मारपीट करते हैं और मुझसे घर से निकाल देते हैं, ये क्या बात है। तो उस टाइम में पिताजी ने बोला, ये सबसे छोटी धर्म है, तू घर से निकल जा। तो मैं निकल गया, ये टीवी प्रभु को विश्वास किया तो 2 महीने के अंदर में घर से निकल दिया। निकलने के बाद में बहुत दिनों तक इधर उधर घूमते रहा, खाने के लिए नहीं मिला, बैठने के लिए नहीं मिला, बाजार में ऐसे दुकान का ऐसे पूरा बार बरांडा में कई दिन सो गया, ठंडी का मौसम में ओढ़ने के लिए लगाने के लिए कुछ कपड़ा नहीं मिला, फिर भी यीशु मसीह को मैंने नहीं छोड़ा। बाद में शिलोंग से एक पादरी आया था, एक कॉन्फ्रेंस में गया। जब उधर जाने का बाद में उस टाइम में बोला कि स्टेज से प्रोफेसी किया कि इधर में एक व्यक्ति है जो उसको प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, इतने हैं उसको प्रभु ने चुना सेवकाई के लिए।
पूरा वो कभी चिन्ह पहचानता भी नहीं, देखा भी नहीं था। तब मैं चला गया, उससे जाने का पहले 2 महीने का बाद में मैं तुरंत बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा लिया। फिर 1 सप्ताह तक जंगल में जाके प्रार्थना किया, फिर पवित्र आत्मा मिला। पवित्र आत्मा मिलने के बाद में एक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में जब चला गया, उसी समय में प्रोफेसी किया कि एक ऐसा आदमी है वो स्टेज में आ जाओ। जब मैं स्टेज में चला गया तो उन्होंने बोला, प्रभु ने तुमको चुन लिया केवल उद्धार के लिए नहीं, प्रभु के सेवकाई के लिए भी। तब फिर भी मैं ठीक है, मैंने प्रभु को विश्वास किया, मैं फिर दुख उठाते गया। बाद में फिर प्रभु से मैंने बोला कि प्रभु मैं क्या करूं, अब घर में जाने के लिए भी नहीं देता, बैठने के लिए भी नहीं, खाने के लिए भी नहीं, और सेवकाई के लिए मैं करने के लिए प्रोफेसी भी किया, लेकिन मैं क्या करूं। तो फिर प्रभु ने मुझे बताया कि तू फास्टिंग बैठ, 40 डेज का फास्टिंग बैठा। 40 डेज का फास्टिंग बैठने का बाद में फिर प्रभु ने पूरा पहाड़ का दर्शन दिया, और पहाड़ का दर्शन देने के समय में फिर पहाड़ में भी कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा, वो भी सारे बातें दिखाया। तो उस टाइम में मैंने फिर बोला कि ठीक है, मैं घर छोड़ दूँगा, और एक पास्टर के साथ में, पास्टर प्रेम को राय है, उनका साथ में चला गया। जाने के बाद में उन्होंने बोला कि आप जा सकते हैं। तो मैं बाई फेथ इधर में आया सोरणी में, और सोरणी में आके इस जगह में कोई ईसाई लोग नहीं थे, और प्रचार करने के लिए भी सब लोग डरते थे, डराते थे। फिर भी मैं पूरा प्रचार करते लगा, करने लगा, फिर करने लगा, करते करते इस इलाके में बहुत सा आदमी प्रभु में आया, और प्रभु में आते आते, और मेरा पास तो कोई सपोर्ट नहीं है, किसी को हेल्प भी नहीं कर सकता हूँ, किसी को कुछ भी दे नहीं सकता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट सेवा क्या करता हूँ। तो जब सारे भाई लोग कन्वर्ट होने लगे, कन्वर्ट होने के बाद में उन्होंने बोला कि अरे पास्टर मैं भी सेवा क्या करूँगा। मैंने बोला मेरे पास कुछ नहीं है, अगर पूरा प्रभु के ओर में विश्वास में जियोगे तो आप कर सकते हैं। फिर भी बाद में बोलता है कि सिलम पेंटिकोस्टल में चले जाएंगे, फिर दूसरा बोलता है मैं एजी में चला जाऊंगा। ठीक है, जैसे भी हो प्रभु का काम होना है, इसलिए इधर में जितना भी अभी मंडली है वो इधर में जहाँ भी जाएंगे कि उधर में जो पास्टर है पहले बोलेगा पूछने से कि आप कहाँ से कन्वर्ट हुआ, तो पास्टर मी का किरदार रहा। ऐसे करते करते आज तक सेवकाई में हूँ, और इसी रीति से आज तक सोरणी में बैठ कर पूरा 150 किलोमीटर दूर में आके इधर में आके सेवकाई में बैठा, आज तक सेवकाई में कर रहा हूँ। नेपाल बॉर्डर है, नेपाल में भी पूरा प्रचार करता हूँ, उधर में भी 1-2 चर्च है, लेकिन उनको भी मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं सीधा जीता हूँ तो प्रभु को देख कर। इसी रीति से आज तक मैं जी रहा हूँ, और इसी रीति से सेवकाई कर रहा हूँ।